नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। आईपीएल 2021 के इस सीजन को ध्यान में रखते हुए एक और बुरी खबर सामने आई। साथ ही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को भी बड़ा झटका लगा। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज केन रिचर्डसन और स्पिनर एडम जैम्पा ने निजी कारणों से अपने देश लौटने का फैसला किया। दोनों ही खिलाड़ी बैंगलोर टीम का अहम हिस्सा थे, लेकिन अब आगामी आईपीएल में वो मैच खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। इससे पहले राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज एंड्रयू ट्राई ने भी निजी कारणों से ऑस्ट्रेलिया लौटने का फैसला किया था। एडम जैम्पा ने इस आईपीएल में अभी तक एक भी मुकाबला नहीं खेला, तो वहीं केन रिचर्डसन केवल एक ही मैच खेलते हुए नजर आए थे। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने सोशल मीडिया पर ट्वीट जारी करते हुए इस खबर की जानकारी दी। बैंगलोर ने ट्वीट में लिखा कि आधिकारिक सूचना के तहत एडम जैम्पा और केन रिचर्डसन ने ऑस्ट्रेलिया वापस जाने का फैसला लिया। दोनों खिलाड़ियों ने निजी कारणों की वजह से ये फैसला लिया और आगामी आईपीएल में वो उपलब्ध नहीं रहेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के मैनेजमेंट ने उनके फैसले का आदर किया और उन्हें हर तरह की मदद करने का फैसला लिया। इससे पहले लियाम लिविंगस्टोन, एंड्रयू ट्राय और दिल्ली के स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने कोरोना के चलते आईपीएल से नाम वापस ले लिया। भारत में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। इसी बीच चल रहे आईपीएल में कई विदेशी खिलाड़ियों ने अपने नाम टूर्नामेंट से वापस ले लिए और अपने देश लौटने का फैसला किया। खिलाड़ियों के मन में कोरोना संक्रमण को लेकर लगातार डर बढ़ता जा रहा, लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड पहले ही सुनिश्चित कर चुका है कि आईपीएल टूर्नामेंट पर कोरोना का प्रभाव नहीं पड़ेगा। बायोबबल में होते हुए ये टूर्नामेंट जारी रहेगा। लगातार खिलाड़ियों का घर जाना आईपीएल के लिए खतरे की घंटी साबित हो रहा है। खिलाड़ी लगातार बायोबबल में रहते हुए आईपीएल में हिस्सा ले रहे, लेकिन कई खिलाड़ी इस दौरान भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसमें अक्षर पटेल और एनरिक नौकिया का नाम शामिल है।